बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। शीतकालीन सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों से बात करते हुए, देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं सदन के सत्र और मुद्दों के बारे में। ये सत्र महत्वपूर्ण है, सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विषय जो जनहित के हैं, देश हित के हैं, और सभी का ये प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाए, लोकहित का कर पाए, देश हित का कर पाए। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो, खुलकर के चर्चा हो, तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो, वाद हो, विवाद हो, संवाद तो होना ही चाहिए। और इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी, हमारा आग्रह रहेगा कि ये सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करे, सारे महत्वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाएं, चर्चा करके उसको और अधिक सार्थक बनाने के लिए, और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास हो। और मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल जो मई महीने में कसौटी पर कसने वाले हैं, तो जरूर जनता जनार्दन का ध्यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दिलचस्प है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, तैयार है रफाल के मुद्दे पर बात करने के लिए, तैयार है अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए, तैयार है ट्रिपल तलाक अध्यादेश को बिल में बदलने के लिए और इस मुद्दे पर फिर से मुस्लिम तुष्टिकरण का नारा उछालने के लिए, तैयार है आरबीआई में जो हालिया बदलाव हुए, किस तरह से वित्त मंत्री सरकार एक तरफ और आरबीआई दूसरी तरफ, उर्जित पटेल का इस्तीफा हुआ बीते दिन, उस पर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी पहली बार इतने मॉडरेट से शायद नजर आ रहे हैं, या हमारी नजर का भ्रम है क्योंकि भाजपा की बुरी हालत होती नजर आ रही है तीनों राज्यों में। और दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तब उनके दाईं तरफ थे नरेंद्र तोमर, जिन्हें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक वारिस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली च्वाइस बताया जा रहा था। खुद जिस सीट से, जिस इलाके से नरेंद्र तोमर आते हैं, ग्वालियर की सीट, उस ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत हो रही है। बाईं तरफ खड़े थे नरेंद्र मोदी के अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के सांसद और जो भाजपा के एक संभावित दावेदार हैं, राजस्थान में बड़ा दलित चेहरा है मेघवाल, समाज की बड़ी वोट बैंक है वहां पे, खूब रैलियां करवाई गई थी और उस राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवाती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की सियासत का ये सबसे मुश्किल दौर है, दौर जिसका एक फेज था जब बैक टू बैक उनके नेतृत्व में बिहार और दिल्ली में एनडीए बुरी तरह हारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभूतपूर्व जनादेश हासिल करने के बाद लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिल गई है, गिरते पड़ते कैसे भी प्रधान सेवक बड़ा प्रधान के झोली पसारने से गुजरात भी एक बार फिर से 99 सीटों के साथ ही सही भाजपा के पाले में आ गया था। फिर आया कर्नाटक का जनादेश, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी लेकिन बहुमत के लिए जरूरी नंबर ना तो चुनाव में जुटा पाई और ना चुनाव के बाद अमित शाह के प्रबंधन के जरिए भी, और उसके बाद अभी 5 राज्यों के चुनाव, जिनको टीवी की भाषा में कहें तो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज थी और इनमें से 2 राज्यों में पिछले 3 चुनाव जीतकर काबिज थी, 2003 से काबिज थी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का किला बुरी तरह ध्वस्त हो गया है, खुद रमन सिंह राजनांदगांव की सीट पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं रुझानों के मुताबिक, कई बड़े दिग्गज मंत्री चुनाव हारते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को लगभग 2/3 बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 90 सीटें हैं, 60 पर 2/3 बहुमत होता है और जब मैं ये
बातचीत आपसे कर रहा हूं तब 59 सीटों पर कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को यहां बढ़त हासिल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी बढ़त हासिल है। आज तक के मुताबिक कांग्रेस को 116 सीटें मिलती नजर आ रही है, एबीपी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस को 112 मिलती नजर आ रही है, और जो सत्ता गंवाते नजर आ रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनको आज तक के मुताबिक 99 और एबीपी न्यूज के मुताबिक 102 सीटें मिलती नजर आ रही। राजस्थान जहां पर नारा था रानी तुझसे मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, उस राजस्थान में भी कांग्रेस गठबंधन को सत्ता मिलती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के मुताबिक 102 सीटें, आज तक के मुताबिक 114 सीटें, और इंडिया टीवी के मुताबिक 115 सीटें, माफ कीजिएगा 98 सीटें मिलती नजर आ रही, बहुमत के इधर उधर आंकड़ा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का मुश्किल दौर, विपक्ष ज्यादा हमलावर होगा, कांग्रेस ज्यादा एग्रेसिव होगी। आज ही का वो दिन है जब एक बरस पहले राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनको ये एनिवर्सरी पर तोहफा मिला है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन अभी जीत में कुछ देर है। वो अंग्रेजी में क्या कहावत है भैया, होंठ की दूरी और चाय वाय का प्याला, मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। हाँ दर्पण, ये तुमने बढ़िया बता दिया। तो अभी खेला बाकी है, अभी जीत का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है ऊंट किसी भी करवट बैठे नरेंद्र मोदी की पेशानी पर बल है, क्योंकि ये सब 2019 की पूर्व पीठ का रच रहे हैं। आप देख रहे हैं dlearntop.com। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जनादेश के बारे में।